ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की है। उनको ज्ञान नहीं है, धर्माधर्म का ज्ञान नहीं है, वो धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म किसको कहा जाता है? धारयन्ति च धर्म। धर्म के बारे में वो बोलने वाले कौन होते हैं? जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण हो जाता है क्या, या टीका लगा लेने से पंडित हो जाता है क्या? ये परंपराओं का देश है, ये तिलक लगाने वालों का देश है, ये पूजा पाठ धर्म संस्कृति व्रत त्योहार इनका देश है। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? केवल और केवल जनेऊ पहनकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बयान कुछ भी दे, मगर इस तरह का बयान मत दे जो नफरत का प्रचार प्रसार के साथ प्रसन्न चिन्ह लगा दे आपके विचार और आपके सोचने पर। प्रयागवाल सभा ये घोषित करता है कि उनका बही से ही नाम काट देंगे हम लोग, ना उनका नाम रहेगा ना उनका तीर्थ पुरोहित कोई कर्म कराएगा। उन्हें पहले तो सनातन धर्म को जानने की जरूरत है, उसको जाने, सारे वेद पुराण उसको अध्ययन करें, जितना अध्ययन यही करते हैं। आज वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये बयान देकर के भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता वो कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी, हमेशा हिंदुओं के विरोध में सनातन संस्कृतियों के विपक्ष में रही और इनका विरोध किया, ये आपने अपनी मानसिकता का उजागर किया। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।